बारामूला में, वो सोपोर में की है। और उसका एक मेन रीजन ये है कि एसजीएच सोपोर जो है वो एक बहुत ही अहम हॉस्पिटल है, क्योंकि वो तीन डिस्ट्रिक्ट को केटर करता है। ना ही सिर्फ बारामूला और सोपोर के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि कुपवाड़ा के और बांडीपुरा के भी लोग जो है वो इस हॉस्पिटल में आते हैं। कोविड में यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत बहुत अच्छा काम किया और उनको शाबाशी जो है वो एलजी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी से बहुत ज्यादा मिली है। लेकिन काफी इश्यूज हैं जो हमें और भी उस पर काम करने की जरूरत है। आज जो मेरा जायजा था यहाँ पर वो इसीलिए था कि जो एक मेगा हेल्थ कैंप हो रहा है जो ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन से होगा 11 से 17 मई तक, उसमें बाहर के भी हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और हमारे अपने जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं हमारे अपने हॉस्पिटल के और हमारे आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे यहाँ डॉक्टर्स, वो यहाँ पर सर्जरीज परफॉर्म करेंगे और ये सर्जरीज एक हफ्ते के ड्यूरेशन में परफॉर्म होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से जो है वो मुहैया करा सकते हैं। तो ये मेरा आज का जो है मकसद था वो यही था। बाकी जो भी इशू सोपोर के होंगे उसमें हम बतदरीज जो है लोगों के साथ मिलते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहेंगे। आज भी मैंने कुछ पेशेंट्स के साथ भी बात की, डॉक्टर से भी फीडबैक ले रहे हैं क्या क्या उनको चीजें जो है और मुहैया कराई जा सकती है ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है ड्रग डिटेक्शन सेंटर के हवाले से। अगर हम बात करेंगे सोपोर की, लोगों की बड़ी देरी में मांग थी कि यहाँ पे एक ड्रग डिटेक्शन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे 2-3 जाने जाया हो चुकी है। आप पे लोगों को बहुत सारी उम्मीद है, लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहबा ये जरूर करेगी ड्रग डिटेक्शन सेंटर, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड भी बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है। डी एडिक्शन गवर्नमेंट का और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फोकस एरिया रहेगा और बारामूला को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली सोपोर को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। इस पर हम ग्राउंड से भी जुड़े हुए हैं इसलिए हमें पता है कि किन चीजों की यहाँ जरूरत है। उस पर हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन पूरे अपनी लगाएगी एफर्ट्स ताकि यहाँ पर एक डी एडिक्शन का जो है वो सेंटर भी खोला जाए और डॉक्टर्स जो हैं इसमें ट्रेन स्टाफ की जरूरत है जो साइकियाट्रिकली भी और लोगों की जो है थोड़ी सी काउंसलिंग भी हो और साथ में डी एडिक्शन का भी काम